है ना। देवप्रयाग है महाराज, कुछ बताएं आप देवप्रयाग के बारे में। यहाँ दो नदियों का संगम होता है, ये जो नीचे पानी आ रहा है, ये जो अलकनंदा नदी है। अच्छा हाँ, और वो अलग नदी है, वो अलग नदी है गहरा पानी। हाँ ये दोनों मतलब दोनों तो, का संगम हाँ, है आगे से अभी गंगा जी बन जाएंगी। अच्छा हाँ। तो यहाँ गंगा जी नहीं है, ये है तो गंगा जी, अलकनंदा जी है ये। अच्छा गंगा तो सभी जितनी भी नदियाँ मिलती जाती हैं वो गंगा का स्वरूप ले जाती हैं यहाँ पर। अच्छा तो ये जगह ऋषिकेश से आगे जाके ये पूरा बड़ा रूप गंगा जी का हो जाता है। अच्छा तो ये जगह कौन सा है? देवप्रयाग। ये देवप्रयाग है। और यहाँ से हम लोग कितना दूर है केदारनाथ? 230 किलोमीटर अभी दूर है ना, 5-6 घंटे। और बहुत अच्छा। तो हम ऋषिकेश से निकले थे सुबह, देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। अब देवप्रयाग में बस 2 मिनट ये रुक करके ये जो संगम है उसको देख करके और फिर हम यहाँ से आगे की ओर निकल रहे हैं। और हमारा अब अगला टारगेट है, सामने सरस्वती नदी आ रही है। अच्छा, ये अलकनंदा है, ये अलकनंदा है, इधर जो तेज धार व्हाइट दिख रहा है और वो सामने उधर से सरस्वती नदी आ रही है। इन दोनों का संगम यहाँ पे, यहाँ से आगे गंगा के स्वरूप में गंगा के नाम से बहेगी। अच्छा यहाँ से गंगा बन करके ये आगे बह रही है। तो हमारा ये अभी चल रहा है, लगभग दिन के 12 बज चुके हैं। सुबह हम निकले थे 8:30 बजे ऋषिकेश से और ये देवप्रयाग। अब देवप्रयाग से आगे जो रूट आएगा श्रीनगर, श्रीनगर के बाद ऊखीमठ प्रयाग, ये देवप्रयाग है। हाँ, उसके बाद श्रीनगर, श्रीनगर के बाद आएगा रुद्रप्रयाग। हाँ, रुद्रप्रयाग के बाद ऊखीमठ। ऊखीमठ, तो आज हमारा सफ़र ऊखीमठ तक का है। कहाँ तक का है? ऊखीमठ के बाद कालीमठ जाएंगे हम, ऊखी गाँव में स्टे करनी है। ऊखीमठ के बाद कालीमठ और फिर वहाँ एक गांव में हम रुकेंगे। तो ये हमारा सफ़र चालू है और हम लोग अब आगे की ओर निकले। रवि से भैया, रवि 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 फ्रॉम झारखंड। चलें आगे की ओर बढ़े हम लोग। ये पेंटिंग वेंटिंग चल रही है, सब अच्छा है। हमारी अपनी गाड़ी बहुत साथ देती है, सफ़र का साथी। सवारी नहा सकते हैं यहाँ पे? सुनो, नहाएंगे कहाँ पे? हम नहा लेते हैं आगे, नहाएंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा बाद में बोलिए। अरे आइए पासवान जी, कम जी कम। अब नहाने की व्यवस्था देख लो भैया। अब ये सड़क जो है सीधा ये निकलेगी ऊखीमठ के लिए। अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए काफ़ी लंबा सफ़र है, काफ़ी दूर चलना है और लंबे ड्राइव पे हम लोग हैं। अच्छा लग रहा है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।